निरञ्जनतम शरण्यं प्रत्यार्जं प्रणतपाल भवादिभूतं कृष्णं वन्दे महागुरुं सर्वदेवस्वं श्रीकृष्णं वन्दे शङ्करं तान्त्रिकं कल्याणं नमो नमः हम माध्यवाज माध्यमर ज्ञान नमो भस्त्रान दे युवासुवा सब लोक प्रचार वर्तमान सुंदर ज्ञान नमो नमः चंदनार्थ ही श्री कृष्ण चंद्र दीपम सुंदर ज्ञान नमो नमः चंद्रान का चंद्र सुंदर ज्ञान नमो नमः पुष्प माल्या प्रमाश तो सुंदर द्रव्यम सुंदर ज्ञान नमः लेकिन आज सुबह से यार काम इतने थक इतना ज्यादा गया हूँ और फ्री होते होते भी टाइम अभी हो गया शाम के 5। पहले रेस्ट कर लेता हूँ, फोटोज वगैरह देख लेंगे शाम को, जब ड्रेस चेंज करूंगा थोड़े और ज्यादा अच्छे कपड़ों में आऊंगा फिर देखते हैं। तो अभी मैंने चेंज कर लिया है एंड अपने, अबे यार एक तो ये स्नैप भी ना, हाँ तो अपने लूज फिट में आ चुका हूँ एंड फिलहाल तो चलते हैं ऊपर अपने रूम में क्योंकि भाई तक गया रेस्ट करना है, तो अभी जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद वापस नीचे आना है, पूजा करनी है एंड देन दिवाली है, पटाखे तो जलाने ही हैं, देखते हैं अभी, बाकी पहले जाके रेस्ट कर लेते। सो जस्ट अभी अभी एक छोटा सा नैप लेके उठा हुआ एंड अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा यार भूख लग रही है, कुछ खाते पीते हैं एंड फिर पूजा का टाइम हो जाएगा 7-7:30 बजे तक तो पूजा होनी है, फिलहाल तो चलते हैं नीचे। डिनर टाइम क्यों नहीं हो रहा, मेरे को भूख लग रही है। देखो आज ना बड़ा सारा ऐसे डिनर में ना सबने अपनी अपनी एक एक डिश बनाई है, जैसे दादी ने बनाई है कद्दू की सब्जी, कद्दू माने पम्पकिन होता है एंड उन्होंने दादी ने खीर भी बनाई है, ये सबसे टेस्टी होती है। मैंने ये बनाया था पनीर बटर मसाला एंड चाची अभी आलू गोभी की सब्जी बनाने वाली है, ये क्या है, अच्छा ये तो दोपहर वाला है, छोड़ो तो डिनर के टाइम पे मिलते हैं भाई, मज़ा आने वाला है मज़ा। तो इधर फाइनली मेरा पनीर बटर मसाला भी रेडी है, रेडी टू सर्व है ऑलमोस्ट, तो पूजा के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। इधर सरसों का तेल है, इसे जलाया जा रहा है, जलाया क्यों जा रहा है क्योंकि सरसों का तेल का ना टेस्ट बहुत गंदा होता है, उसे जलाने के बाद उसका टेस्ट खत्म हो जाता है एंड फिर जब उसके अंदर पूड़ियाँ फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, तेल का गंदा वाला टेस्ट उसके अंदर नहीं आएगा। ये देखो पकड़ा गया, और ये अपनी यशवी सानवी ने मिलके रंगोली बनाई थी, इसने ख़राब कर दी, ये पिटेगा आज भाई। दिवाली की ना ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, ये ना देखो रोड दूर दूर तक ऐसे लाइट 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 ना, एक तो कुछ ऐसा इसके अंदर ना फोटोज अच्छी आती है, दूसरा ना आंखों को देख के भाई इतना गजब लगता है। इस साल हमारे घर पे लिए हैं लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर हमारा घर भी डेकोरेटेड होगा मज़ेदार वाला। सो जस्ट मैंने अपना आउटफिट अभी चेंज कर लिया है क्योंकि टाइम हो चुका है शाम का एंड मेन पूजा का टाइम हो गया है, सो दिस इज़ मेरा आज का मेन दिवाली आउटफिट जो है वो ये है, तो आज पूजा में हम ये पहनने वाले हैं। सुबह से तीसरा आउटफिट है दिन का एंड बाल भी ऑलमोस्ट सेट ही हैं, ये यार ये ना बिना जेल वैक्स या उसके ना सेट नहीं होते, कुछ ज़्यादा ही सिल्की हैं इस चक्कर में, तो इन्हें हमने ऐसे ही छोड़ दिया है।
बाकी अभी जल्दी से बाहर चलते हैं, थोड़ी सी फोटोज खिंचवा लेते हैं, उसके बाद पूजा कर लेंगे। लेकिन ये आउटफिट थोड़ा ऐसे ना अच्छा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन लग रहा है मुझे। बताओ कमेंट करके, अगर मतलब यहाँ तक व्लॉग देख लिया है तो बता ही देना यार कैसा लग रहा है ये वाला आउटफिट। बाकी अभी बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन रेडी हो चुका है, क्योंकि हम तो हो चुके तो अभी ऑलमोस्ट सब के सब रेडी होके आ चुके हैं, बस एक दो बचे हैं। यहाँ पर चल रही है फोटोज़, क्योंकि घर का बेस्ट फोटो स्पॉट है ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे दो तीन अलग अलग बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं ना फोटोज़ के लिए, एंड लाइटिंग भी काफ़ी सही है। तो इधर मम्मी भी रेडी होके आ चुकी हैं, तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ भी नहीं आ रहा खुद को। और पापा भी रेडी आ चुके, पापा और मैंने सेम कुर्ता पहना है, अभी पापा के साथ भी एक फ़ोटो लेते हैं, क्योंकि सेम कपड़े हैं ना, आज का आउटफिट सेम है। एंड ऐसा कुछ मंदिर लग रहा है, पूरा डिज़ाइन हो चुका है, पहले ना लाइट्स वगैरह ऐसे नहीं लगी हुई थी, एंड अब ये सब लग चुका है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। पूजा स्टार्ट होती है, फिर मिलते हैं। तो ये अचानक से व्लॉग की क्लैरिटी चेंज हुई होगी ना, इसका रीजन ये है मेरे हाथ में ना अचानक से वापस से 14 आ चुका है। लेकिन ना इसके साथ ज्यादा व्लॉग मैं करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरा फोन नहीं है ना यार। लेकिन जहां जहां मैंने क्लिप्स डाल सकता था वहां वहां मैंने डाल दी। और जैसे ही आप ये क्लिप देख रहे हो ना, आपको बता दो 4K में शूट होती है। अब देखो इसको एडिट करते करते इसकी क्या से क्या हालत हो जाती है। सो दिस इज द आर्टिस्ट, एंड इसने जो आर्ट बनाई है, आर्ट नहीं यंत्र कहते हैं, जो कि दिवाली में पूजा में ब्रह्मास्त्र। इधर पूजा हो चुकी है, पूजा होने के बाद जो टेम्पल है वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल। एक बार ये वाले ग्लिम्स देखो, ये ना मैंने पूजा चल रही थी तब तो लिए नहीं, एंड इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये ना, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ऐसा है, अब लग रही है बहुत ज्यादा भूख, एंड जब तक ये सब दिया कैंडल वगैरह वगैरह जलाते हैं तब तक कर लेता हूँ ना मैं, थोड़ा चेंज तो नहीं करा, तब तक फोटोज खिंचवा लेते हैं, उसके बाद इजी फिट में आ जाएंगे। इधर चल रहा है फोटोशूट, नए 14 का पूरा फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। तो आज के मेरे इस कलर का राज ये है, एक तो मम्मी के साथ कॉन्ट्रास्ट में आ रहा है, दूसरा पापा ने और मैंने पहना ही बिल्कुल सेम है। और मुझे लगा मम्मी मेरे लिए मीडियम साइज लेके आई है, मैं कह रहा मुझे तो लार्ज आता है, मम्मी कहती तेरे को तो लार्ज ही आता है, पापा को मीडियम आता है। चारों की इकट्ठी खींचेंगे, आ जाओ पहले फोटोज खिंचा लेते हैं। तो जी इधर आ चुका हूँ मैं अपने ओरिजिनल और अपने सबसे फेवरेट वाले ऐसे आउटफिट में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आउटफिट है।
तो इस आउटफिट को पहनने के बाद दिवाली एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले भूख लग रही है ना, तो सब आ जाते हैं, पूड़ी वगैरह बन जाए, सब्जी हमने बना दी है, खाना एंजॉय करेंगे, लेकिन भूख लग रही है, पहले कोई आओ तो सही बनाने। तो जो बाहर मोहल्ले की लाइटिंग है ना, उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। एक तो इधर नई लाइट लगा दी है जिससे हमारी ब्लॉगिंग आसान हो जाए, एंड दूसरा पीछे फोटोशूट चल रहा है, इधर फोटोशूट चल रहा है, फोटोशूट ही फोटोशूट चल रहा है, पूरे घर में जिस कोने में चले जाओ वहीं फोटोशूट चल रहा है। हम ही अच्छे बच्चे, हमें फोटो खिंचवाने का ऐसा शौक नहीं इतना ज़्यादा, मतलब है पर इतना ज़्यादा नहीं। तो अभी इधर चल रही है फुल फैमिली फोटोग्राफ जिसमें खाली बड़े बड़े हैं, तो हमें बना दिया गया है फोटोग्राफर एक फ़ोन थमाकर। तो अभी का सीन ये है, मैं फिर से ऊपर आ चुका हूँ क्योंकि कार्तिक भी ऊपर है ना पटाखे चलाने के लिए। कहाँ पे कार्तिक? कार्तिक अच्छा नीचे है क्या? नीचे फोड़ रहा है वो पटाखे, मुझे लगा ऊपर फोड़ रहा है। तो अभी आ गया था छत पे जहाँ पे कार्तिक मास्क पहन के पटाखे चला रहा है। चलाइयो कौन सा चला रहा है तू? खांस भी रहा है पटाखे भी चला रहा है, वाह। अबे नहीं लगा, ओ ये तरीका क्या है बे, ऐसे चलाते हैं पटाखे? चल सही है, चला चला। तो अभी मैं आ गया था नीचे, कार्तिक भी नीचे आ गया, पटाखे जलाने के लिए जाएंगे थोड़ी देर में। मेरा तो मन वैसे है नहीं बच्चे जलाएंगे, तो मैं भी जाके देख लूंगा थोड़ी देर नीचे क्यों है, क्योंकि इधर हो गया टीवी ऑन। पर ये नीचे आने का रीज़न नहीं है, नीचे आने का रीज़न वो है, मतलब वो भी नहीं है, उधर चाची डिनर बना रही हैं तो पूड़ी और रोटी वगैरह मिल जाएगी, फिर ये भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगा, एंड देन चलेंगे ऊपर फिर से पटाखे जलाने। तो फाइनली इधर मूवी स्टार्ट हो चुकी है, सब आ चुके हैं डिनर के लिए, एंड डिनर भी फाइनली आ चुका है, तो डिनर इन्जॉय कर लेते हैं, उसके बाद दिवाली पटाखे चलाएंगे। तो फाइनली अभी डिनर हो चुका है, इधर चल रही है चलते इंडिया, एंड बाकी सब पीछे बैठ के डिनर कर रहे हैं, इधर खा रहा हूँ खीर, इधर बाकी सबका डिनर चल रहा है। पहले राउंड में सब डिनर सर्व कर रहे थे, इस राउंड में खा रहे। मम्मी सब्जी कैसी बनी है? मम्मी सब्जी अब वैसे कहते नमक ज़्यादा हो गया। चाची फीकी